आप पूछो गरीब आदमी के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आज मैं पिन्नी बेच रहा हूँ, मेरे पास में 5,000 रुपए का ये चालान हो रहा है इस पिन्नी का, और ये सब पिन्नी बेचा के यहाँ पे सब ये दुकान वाले बैठे हैं रेडी, इनके चालान क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों हो रहा है ये आप बताओ। आप पूछो गरीब आदमी के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आज मैं पिन्नी बेच रहा हूँ, मेरे पास में 5,000 रुपए का ये चालान हो रहा है इस पिन्नी का, और ये सब पिन्नी बेचा के यहाँ पे सब ये दुकान वाले बैठे हैं रेडी, इनके चालान क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों हो रहा है ये आप बताओ मेरा क्यों हो रहा है 5,000 का चालान? मेरी गंगा मैया में पिन्नी फेंकवा देते हो, सब कुछ करवा देते हो, बताओ ये क्या हो रहा है? मेरे ये 6 रुपए की पिन्नी आती है, 10 रुपए में बेचता हूँ, 2 रुपए कमा रहा हूँ, 2 रुपए कमा रहा हूँ, ये सारे यहाँ पिन्नी लेके क्यों घूम रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे लगा के? और बताओ जब पॉलीथिन यहाँ पर बैन है, पहले उनसे छुड़वा, मेरी बात सुनिए, अभी आप पकड़े हो कल को सारे पकड़े जाएंगे ठीक है, लेकिन गलत तो गलत ही है, कोई ना पकड़ा जाए, हमेशा सब कुछ फायदा नहीं है, सब फॉर्मेलिटी होती है, बैन करो तो फैक्ट्री बैन करो, नहीं कोई फायदा ना हो, आम आदमी फायदा करना बेकार है, ना कोई फायदा ना। पॉलीथिन यहाँ पर बैन है, पहले उनसे छुड़वा, मेरी बात सुनिए, अभी आप पकड़े हो कल को सारे पकड़े जाएंगे ठीक है, लेकिन गलत तो गलत ही है, भैया कोई ना पकड़ा जाए, हमेशा सब कुछ फायदा नहीं है, सब फॉर्मेलिटी होती है, बैन करो तो फैक्ट्री बैन करो, नहीं कोई फायदा ना, देखिए प्रशासन आम आदमी को परेशान करना बेकार है, ना कोई फायदा ना, अब ये तो आम आदमी को परेशान करना केवल और कुछ नहीं है, नहीं प्रशासन हमेशा पब्लिक के भले की सोचता है, वो बुरा नहीं करता किसी का, अगर आप प्रशासन को कॉपरेट करके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका ही फायदा होगा, ना जड़ काट दो उसकी, सीधी बात है। हरिद्वार की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत अच्छा प्रशासन है, इसके बारे में कोई नो डाउट कि प्रशासन किसी के साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है प्रशासन गलत कर रहा है किसी के साथ, बढ़िया है। सरकार को अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाना है तो जिस तरह से हर जगह एक मशीन लागू की जा रही है पॉलीथीन के लिए, उसी तरह हर धार्मिक स्थल पर एक मशीन लागू की जाए जिसको उसमें डिस्टेबल किया जाए और वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए। सर आप हरिद्वार के बारे में एक वाक्य में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हरिद्वार हमारा एक भगवान के लिए एक आस्थिक और धर्म का वो है, और हम इसको आस्था के लिए बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए सरकार जिस तरह पहल चला रही है उसी तरह एक उनको एक यहाँ पर एक इंतजाम करना चाहिए, जिससे जितनी भी प्लास्टिक का विरोध हो रहा है उसके लिए यहाँ पर अगर व्यवस्था होनी चाहिए। सर यहाँ की साफ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा प्रबंधन चल रहा है, और यहाँ की गंगा समिति जो वो भी बहुत अच्छा प्रबंधन कर रही है, लेकिन हम सिर्फ सरकार के लिए अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह वो गरीब लोगों के लिए इतना चालान कर रहे हैं, जो 2-2 रुपए की पॉलीथीन को बेच कर और अपना पेट पालन करते हैं, तो सरकार को एक पूंजी बनाना चाहिए जिससे जो भी प्लास्टिक है उसका डिस्ट्रॉय करके उसको एक जगह उगाया जाए, जिससे ना तो किसी को चालान की वो होगी और ना ही वो कुछ दिक्कत होगी, सब अपने पेट के धंधे के लिए हर आदमी 4 पैसे के लिए भगता है। पहले बहुत गंदा था, लेकिन आज की डेट में यहाँ प्रशासन बहुत सख्त है और साफ सफाई बहुत अच्छी है, पहले बहुत नहीं था, लेकिन इस रोल है बहुत अच्छा रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, बैन होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है अगर बैन करना तो हाई लेवल के हिसाब से करें, ना कि नीचे स्तर से, नीचे स्तर तक जीवन में कभी पैन नहीं हो पाएगा, केवल हाई लेवल पे आप फैक्ट्री बंद करा दो सब चीज़ बंद हो जाएगी, कोई भी चीज़ बंद करनी है जड़ काट दो उसकी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप चालान कर दो किसी का पैसे वो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़, दुकानों पे छापे डालो पैसे खा लेते हैं अधिकारी वगैरह, कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा फिनिश करना है, वही चीज़ नहीं हो पाती है केवल। थैंक यू सर।